कटाक्ष मारो। नमस्कार पन्नू साहब, बहुत अच्छा कि जैसे अब क्योंकि ये फंक्शन तो था ही नहीं, ये फंक्शन क्योंकि बोले कि जो भी ये कोरोना काल में 10, 20, 25 जो मीडिया वाले आ जाए उनको बुला लीजिएगा, बाकी जो नहीं आ पाएंगे उन तक पहुंचा दीजिएगा। वही होने वाला है। कोई जब कि कोई एक भी गेस्ट नहीं बुलाएंगे तो आप समझ सकते हैं जो यहाँ 5-10 लोग हैं वो कितने गरिमामान और कितने क्षमतावान और कितने दिल के करीब हैं, जो यहाँ 4 से 10 लोग बैठे हैं और मीडिया के लोग बैठे हैं। अब मैं राजपाल क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही एक कहानी हूँ अपने जीवन में, लेकिन अच्छी बात ये लगती है कि बचपन से लेकर आज तक कभी हमेशा आप फाइटर, हमें फाइटिंग करने में बड़ा मजा आता है। वेब सीरीज इन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स, दिस इज आल्सो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। राजपाल सर एक बात बोलिए। जी भैया एक आप। हाँ यस 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 सर। एंड दिस इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट फादरों से। हमारा जीवन में एक छोटी सी घटना तो हमारे जीवन बड़ी हो गई। 92 की बात है जब मैंने पहली बार एक फिल्म देखी थी और एक एक्टर था जो 2 घंटे तक, उस समय मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती थी, और 2 घंटे तक बिठा के रखा और मैं हिला नहीं। तो मैंने उनके कार्टून बहुत देखे थे, तो वो थे मिस्टर चार्ली चैपलिन, फिल्म थी द ग्रेट डिक्टेटर। आई वॉज इन लखनऊ, फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स का कोर्स चल रहा था, उसमें फर्स्ट फिल्म मैंने देखी थी। उसी दिन से मैंने इनको अपना क्रिएटिव सलाहकार बनाया कि आप मेरे आज से क्रिएटिव मित्र हो, और शायद मैं अकेले अगर अभी भी मुझे 10 दिन छोड़ दिया जाए तो शायद 9 दिन मैं इनको हर समय साथ में ही इनसे सलाह करता हूँ। इनको एक फिल्म ट्रिब्यूट करनी थी, उसके लिए वो हमारी ड्रीम प्रोजेक्ट की ट्रिब्यूट करने का मौका मिले, जिसने 2021 में भी मुझे मजबूती दी कला को जीने के लिए। किसी भी दुनिया की संसार की कोई भी प्रॉब्लम आए लेकिन कमिटमेंट अगर कला के पीछे है तो उससे पहले जिस आदमी ने एवरेस्ट खड़ा किया है क्रिएटिविटी का, मैं उसको सैल्यूट करता हूं और ये फिल्म उसको ट्रिब्यूट करता हूं। इसलिए वर्ल्ड के बेस्ट 7 एक्टर का काम कर रहा हूं। ये इसका मकसद, लेकिन इसका मकसद ये है कि हमने शर्त पहले ये रखी कि ना एक सीन लिया जाएगा द ग्रेट डिक्टेटर से और ना ही एक भी थॉट लिया जाएगा, सिर्फ वहाँ से इंस्पिरेशन लिया जाएगा, क्योंकि अगर चार्ली चैपलिन नहीं होते तो हम बीच में बहुत जल्दी उखड़ गए होते बहुत जल्दी। लेकिन अगर एक कलाकार से बीज बनाने का काम किया कि जहाँ गड़ा दिए जाओ वहीं से उग जाओ, वहीं से वृक्ष बन जाओ, तो आई थिंक वो ये चार्ली चैपलिन साहब थे। तो मैं ये फिल्म जो है वर्ल्ड के 7-7 बेस्ट एक्टर्स को लेके, और अपूर्वा भाई ने जो है वो बीड़ा उठाया है, और फिल्म भी लगभग जैसी सोची थी कि किसी की कॉपी ना हो लेकिन फिल्म ट्रिब्यूट हो। तो सैल्यूट यू गाइस, लव यू और रिस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच। सर एक मिसल साफ निकल जाएंगे सर, कुछ खिलाएं ऊपर सर, और सर हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है राजपाल। हाय हाय, हाउ आर यू? इज मिस्टर समीर एंड शी इज सीमा जी, वन ऑफ आवर कैरेक्टर, शी इज प्लेइंग गुड कैरेक्टर इन आवर फिल्म। एंड इज मिस्टर पांडे, हेलो हेमंत जी, हेमंत पांडे। Hi. Okay, now I'm putting to the media if you want to ask anything or you want to say something. Can you wish some everybody? ये वहाँ पे अभी मन्नी हुआ है। आपने अभी जिक्र किया, आपने कहा कि फादर उनसे, और जो आपने पिछले फिल्म का जिक्र किया कि वो मेरे बहुत नजदीक थी, एक आर्टिस्ट को एहसास हो जाता है जब उसको नरेट करा जाता है,
जी जी अब क्या लगता है उन जो लैंडमार्क पिछली फिल्मों का जिस फिल्म का आपने जिक्र किया मेरी पत्नी और वो क्या उसको सरपास कर दे गए? नहीं नहीं, वो तो 2004 की बात है, ये 2021 की बात है, आप चिंता ही मत करिए उससे। इमोशन यूनिवर्सल आज 2021 में अगर मैं मेरी पत्नी और दोबारा बने तो उसमें चार चांद उसी फिल्म में लग जाएंगे, और क्योंकि ऐसा लगता है कि 2003 में ये और कर लेना चाहिए। तो हम लोग इतने भूखे लोग होते हैं जिसमें हम सब आते हैं, आप भी, आप कितनी अच्छी न्यूज़ स्टोरी मिल जाए, हम लोग कितना अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, कभी भी ये सिलसिला ना ख़त्म हो, भूख ना ख़त्म हो। मुझे लग रहा है ये उससे अच्छी बात कोई है नहीं, मुझे लग रहा है कि इससे भले ही हम बहुत गंदा काम करते उसमें, लेकिन वो जो अगर वो फिल्म पसंद आई तो आज की डेट में कोई फिल्म बनाए तो अच्छा, ऐसा लगता है कि और भी, बैठो भैया बैठो, तो 10 लोग और अच्छा कर सकते हो। बस मैं सिर्फ इसमें बिलीव करता हूँ। फादर ऑन सेल, फादर ऑन सेल एक ऐसे पिता की कहानी है कि मुझे लगता है कि संसार में अगर एक बच्चे को नाम देना हो तो उसको पिता का नाम दिया जाता है, और लेकिन जन्म माँ द्वारा दिया जाता है। तो ये माँ बाप अगर नहीं होते संसार में तो बच्चे, बच्चे की कल्पना या बच्चे के नाम की भी कल्पना नहीं हो सकती। तो फादर ऑन सेल मैं पूरी स्टोरी नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसे पिता की कहानी है जिसमें हर पिता अपने आप को पिता देखेगा और अपने मन में ताली बजाएगा और आशीर्वाद देगा, क्योंकि पिता का स्थान कभी भी, कोई भी दुनिया का कुछ भी हो, लेकिन पिता का स्थान हमेशा पिता ही ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। I'll put some few words. Normally, you know, like, हर चीज में माता जी का जिक्र बहुत होता है, तो होना भी चाहिए, और मैं कोई उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। नहीं, होना भी चाहिए, माने पिता नहीं का स्थान, स्थान भी बहुत उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी एक माँ का होता है। तो पीढ़ों दर पीढ़ियाँ चलते आ रही है, बट वो एक प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब हमको अगर देश का नाम भी लेना है तो भारत माँ बोलना पड़ रहा है, मतलब जरूर है, माँ है, धरती माँ, धरती को माँ बोलते तो देश को माँ बोलेगी, तो माँ हर जगह है। हमको ठेस भी लगेगी ना तो वो बापरे नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते, वही माँ करते ना। बाप कहीं चला गया है भाई लोगों के दिमाग से, बाप सिर्फ है ना वो एक बेटे का नाम और उसका सरनेम के बीच का एक ना छोटा सा नाम रह गया है। अगर मेरे पास फादर का नाम है कांतिलाल तो मैं सिर्फ के ही लिखता हूँ, बाकी तो सब हट गया भाई। और राजपाल नौरंग यादव, मुझे मुझे अच्छा लगा, मुझे पता नहीं क्यों राजपाल यादव और नौरंग यादव तो पिताजी के नाम से मुझे खुद लगा कि यार जब अभी पिताजी का नाम जितनी बार आता है उतनी बार पिताजी का नाम आता है, तो एक बच्चे का इससे बढ़िया क्या सौभाग्य कि उसके नाम के आगे तुरंत मतलब वो, तो हमारे ऐसा लगता है कि जैसे इतनी बार पूज्य पिताजी का नाम आया तो मुझे खुद लगा कि उन वो खुद उनकी उपस्थिति हो गई, तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। तो क्या ये कैरेक्टर किसी से प्रेरित है, कहीं से आपने इंस्पिरेशन ली हुई है? मुझे कैरेक्टर ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कैरेक्टर, कि अगर आपने देखे होंगे पंकज कपूर साहब के कुछ कैरेक्टर आए जिसमें मोहनदास BLLB है या करमचंद थे पहले, फिर अभी जैसे CID वाला कितने दिनों का, तो मेरे बहुत दिनों से दिमाग में था कि एक मिस्ट्री जो एक इस तरीके के कैरेक्टर के जिसमें करने का मौका मिले, जिसमें कुछ सॉल्व और कुछ डिसॉल्व करने का मौका मिले। तो ये जब हंगरी का प्रोजेक्ट कंप्लीट जो है वो व्यास जी ने हमें बताया और कैरेक्टर, तो इन्होंने कहा कैरेक्टर कौन होना चाहिए, तो हमने कहा कैरेक्टर तो मेरे दिमाग में आ चुका है, क्योंकि पंकज जी से बहुत इंस्पिरेशन हमें करमचंद में मिला था, वो हम लोग बहुत छोटे थे। फिर जब दूसरी तरफ लड़की जब सीमा जी का अब जो है मतलब फिर मतलब लग गया कि नहीं ये एकदम बढ़िया सी, और उसमें फिर कैरेक्टर हम इसलिए उसके बारे में, क्योंकि हम कहानी और चरित्र के बारे में डिस्कस करेंगे, चरित्र के बारे में डिस्कस करोगे कहानी बाहर आ जाती है, और कहानी की जरा सी बात करो चरित्र बाहर आ जाता है। अब ये सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के काम हैं, जब फिल्म बन जाए उसके बाद क्या चरित्र
सोचा था क्या अब निकल गया तो ज़्यादा बता पाने में होंगे, लेकिन अभी चरित्र के बारे में ज़्यादा बोलना, कहानी को एक्सपोज करना है और कहानी मिस्ट्री रहनी चाहिए जब तक पूरी तरीके से गढ़ ना जाए और कढ़ ना जाए। आपके तीनों प्रोजेक्टों ने फादर ऑन सेल के बारे में तो आपने बता दिया, एक कोड इन हंगरी है, क्रेजी किंग है, छोटा सा ब्रीफ में अगर छोटा छोटा किरदार भरा जाएगा तो कहानी भरा जाएगी, हाँ बिल्कुल मुख्तसर सा अगर बता सके तो बता दें। तीनों में एंटरटेनमेंट भरपूर है। मैं बता दूं उसका लाइन बता दूं, द कोड इन हंगरी इज एंटरटेनमेंट विद लिटिल बिट कॉमेडी बट अ थ्रिलर मोमेंट्स, ओके फॉर फैमिली, फॉर फैमिली के लिए, मतलब कोई इसमें गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक थ्रिलर मोमेंट में हम लोग को कहीं कई बार बच्चों को भी मजा आता है, यू नो ये कई चीज़ें कॉमिक से मिलेगी आपको, आप समझ जाओगे जब आएगी ना, तब कई चीज़ें कॉमिक से मिलेगी आपको बट इन अ वेरी मैच्योर वे, ओके तो दैट इज़ द एंटरटेनमेंट, टोटल एंटरटेनमेंट। फादर ऑन सेल बड़ी करुणा वाली कहानी है, इमोशनल, बट स्टिल इट हैज़ गॉट एन एंटरटेनमेंट वैल्यू वेर आई कैन सी दैट फिल्म इन इन फेस्टिवल्स ऑल्सो, इन मास ऑल्सो, एवरीवेयर दैट वी कैन पुट इट इन फेस्टिवल डायरेक्ट रिलीज और OTT रिलीज, whatever the possibilities are. So that movie is with emotions. Third film, Crazy King. It's a tribute to Charlie Chaplin. And I'm showing a very different altogether world. A different world hai. Imaginary world hai. It's an imaginary world. Aur uska raja ka naam hai Crazy King. But contemporary, and that Crazy King is played by Rajpal Yadav. मैं आपको सिर्फ एक बोला हूँ कि तीनों में एंटरटेनमेंट है, लाफ राइट एंटरटेनमेंट है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, जैसे इसमें कॉमिक इंटरल्यूड है अपना, और लेकिन बड़ा मीनिंगफुल जो कोड इन हंगरी, वैसे सर ने इमोशनल एंटरटेनमेंट है इसके लिए, और इसमें जो है क्रेजी एंटरटेनमेंट है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, कोशिश करेंगे कि वो इमेजिनरी दुनिया है, टोटल इमेजिनरी दुनिया हो, वो नथिंग टू डू विद एनीबॉडी, इट इज टोटली इमेजिनरी वर्ल्ड तीनों का। सीमा जी, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग, बहुत शोज में म्यूजिकल्स योर रिएक्शन द मोमेंट द मेकर आस्क्ड टू बी ऑन बोर्ड? आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ इट्स बीन एजेस आई हैव प्लेड, it's been ages I haven't played a inspector or something like that, because in TV shows zyada karne ko milta nahi hai auraton ko, maa bano ya vamp bano, but yes, after Masti, Mrs. Lili Lele, this is my something different character which I would love to do, and I was looking forward, aur maine apurva ji se bola, maine kaha sir main kuch alag karna chahti hu, jaise wo pagal hai main bhi चाहती थी कि मैं अपना पागलपन जो है एक्टिंग के लिए या डिफरेंट कैरेक्टर्स है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि सर से मुलाकात हुई, राजपाल सर से मुलाकात हुई, अच्छा लगा, सीनियर एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हम भी सीखते हैं रोज़, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड, सो बस एक महीना है मेरे पास, लग गई हूँ मैं भी, एंड जब मुझे सर ने बताया तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड।